जय हो जगदीश्वरी, जय माता जया हो, जय हो माँ तेरे चरणों मान मन छाओ, जय हो जगदी माता। ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर इज योर ब्रदर, आपका भाई सुमित। और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसे रमणीय स्थान पर, माँ जगदीश्वरी का यहाँ पर मंदिर है। उससे पहले अभी हम ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा गांव है नीचे, इंदिरा और टिपरी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये ऊपर वाला जो गांव है ये इंदिरा है, और इसके ठीक नीचे माँ रेणुका का वहाँ पर मंदिर भी हमें नज़र आ रहा है, और वहीं टिपरी गाँव है। और उसके सामने जो आपको और गाँव नज़र आ रहे होंगे वो पड़ता है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। और इसके साथ साथ आपको नज़र आ रहा होगा चिन्याली भी यहाँ से स्पष्ट है, भागीरथी नदी भी यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो आर्च ब्रिज है और हवाई पट्टी भी मुझे यहाँ से साफ स्पष्ट नज़र आ रही है। और बताया जाता है कि लगभग समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित माँ जगदेश्वरी का मंदिर है। तो अब आगे की ओर चलते हैं, और मेरे साथ आए हैं मेरे और भी साथी, राहुल है, आमोद जो कि अभी कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं, शंकर जी है, और उसके साथ साथ आशीष। और ये मेरे पीछे चारों ओर देवदार के वृक्ष है। देवदार की वृक्ष का महत्व आप सभी को पता होगा, लेकिन इसकी जो ये लकड़ी होती है इसमें बिल्कुल भी कभी कीड़े नहीं लगते हैं, और समुद्र तल से लगभग 6 से 8 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ये लगे होते हैं एक। और ये पीछे से भाई लोग आ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर अभी हम आए हैं तो दिक्कत तो बहुत सारी होती है, लेकिन जब माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इतनी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। तब तक आप जैसे चारों ओर देखेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से अभी भी देवदार के वृक्ष है। आप भी यदि इस स्थान पर घूमने आएंगे तो ये स्थान है माँ जगदेश्वरी का, और इंदिरा गांव से लगभग 3 से 5 किलोमीटर थोड़ा सा इसकी ऊंचाई पर स्थित है। तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं माँ जगदेश्वरी के मंदिर में, तो चलते हैं आगे। अभी यहाँ पर मुझे पूज्यपाद गुरुजी श्री परशुराम बडोनी जी शास्त्री नज़र आ रहे हैं। तो अब आज यहाँ के बारे में पूरी जानकारी हम इन्हीं शास्त्री जी से लेंगे। तो अभी ये मेरे बीच में मौजूद है पूज्यपाद गुरुजी। आपका ये सौभाग्य है कि आप इस रमणीय स्थान पर माँ भगवती के द्वार में पिछले 5 दिनों से यहाँ पर है, यहाँ पर हरियाली चल रही है, तो इस स्थान की एक अलग ही महिमा है। यहाँ की काफ़ी सारे तथ्य जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री एक यहाँ की है। तो हम गुरुजी से पूछेंगे कि क्या इस स्थान के बारे में बताया जाता है। बहुत अच्छी बात था बच्चों ने, और आज की पीढ़ी के अगर ऐसे बच्चे निकल जाए तो अवश्य में वो जो है समाज का कल्याण भी होगा और अपना भी कल्याण होगा। बच्चों देखो, मेधा घी शशि शेखरा त्रिनयनम रक्ताम्बरम श्रीयते, ये महाकाली का रूप है। कभी इतिहास बताते हैं कि यहाँ जो है इस घोड़ाखोरी में, इसका नाम घोड़ाखोरी है, यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि कभी जो है सेम धाम से भगवान नागराजा विराजमान हुए थे और घोड़े पर बैठ करके यहाँ है, और वह नागराजा का मंदिर भी है सामने पे, नागराजा भगवान तो यहाँ पर विराजमान हुए थे। और इस घोड़ाखोरी के नाम से इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान नागराजा जो है सेम से यहाँ पर विराजमान हुए थे, और यहाँ से ग्राम इंदिरा समस्त ग्रामवासियों ने, और विशेष करके इसमें योगदान टीकाराम पंवार जी का विशेष करके इसका उन्होंने जो है जीर्णोद्धार किया, अच्छा मंदिर बनाया और अच्छा रमणीय का स्थान भी है। और कब से यहाँ हमारी जगदेव माता कब से यहाँ है इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। हमारे पूर्वजों का पहले का कहना है कि साक्षात गंगा रूप में यहाँ जो है माँ जगदेश्वरी विराजमान है, गंगा के रूप में है यहाँ। तो कभी किसी युग में बात है ये, तो कभी जो है माता स्वयं इंदिरा गांव में आई थी, पुराना गांव था यहाँ इसके नीचे दिखाओ इसके नीचे यहाँ गांव था पहले,
तो वो माता जो है एक वृद्धा के रूप में, वृद्धा माता के रूप में जो है गांव में आई और अपने लिए जो है ठिकाना ढूंढा उसने, मुझे कोई जगह दे दो, कोई जगह दे दो मुझे। लेकिन पूरे गांव वालों ने जगह नहीं दिया, और जब जगह नहीं दी कहते हैं कि ये कुटनियाटी थी कोई, उसके गांव से किनारे रहती थी बेचारी, उसको जो है उसके पास गई माता और जाकर के उससे पूछा, माँ मेरे को स्थान दे दे आज रात रहने के लिए। तो उस बेचारी बुढ़िया ने मांग मांग के लाती थी, खाती थी और गांव वालों का काम करती थी, इसलिए उसको उसका नाम जो है यहाँ का पौराणिक नाम जो है यहाँ के लोगों का कुटनियाटी कहते थे। तो उसने उसको जगह दे दी माता को, और उसी रात माता ने उसको जो है टिपरी गांव के ऊपर, बताते हैं कोई लाला जी है हमारे टिपरी में, पाल सिंह उनके पिताजी, उनका मकान है वहाँ पे, उसके ऊपर थोड़ा धार है, वहाँ उसको वहाँ भेज दिया उसने भगवती ने, और वो वहाँ रह गई। और उसके बाद रातों रात गंगा यहाँ प्रकट हुई और ये नीचे जो गांव था ये रगड़ रगड़ बन गया, वो गांव जो है दब गया, दब गया। तो उसी बुढ़िया के नाम से जो है इस गांव को फिर बसाया गया, और उस युग से आज तक यहाँ पे माँ जगदीश्वरी का जो मंदिर है घड़ी देवदार के बीच में, ब्रांच के बीच में, बहुत सारी जंगली, हम तो उतना हमको ज्ञान में नहीं है इन पेड़ों का, लेकिन है यहाँ पर बहुत अच्छा रमणीय स्थान है। तब से मेरी पीढ़ी भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, इस माता से भी जुड़ा हुआ है। हर साल गंगा दशहरा, जिस दिन सुरकंडा में माता का दशहरा होता है उसी दिन हमारे यहाँ भी दशहरा मनाया जाता है, और गंगा के रूप में, काली के रूप में इसकी पूजन की जाती है। और ये जो है सिद्धपीठ जो सुरखंडा उसका अभ्रंश हो गया, सिरखंड जब सती जी का देह त्यागन हुआ था दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो भगवान शंकर ने सती जी का शरीर को अपने कंधे पे ले जा करके जो है जगह जगह हर जगह सारे भारत में सारे विश्व में घुमाया, सब तीर्थों में घुमाया, छोड़ना नहीं चाहा। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को भेज करके सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो उन टुकड़ों में एक टुकड़ा जो है सुरकंडा में गिरा, उसका नाम सुरकंडा तो अब है अपराण शब्द है, वो वैसा जो है श्रीखंड है उसका नाम, वो श्रीखंड से श्री सिर, केवल सिर ही वहाँ गिरा था माता का, इसलिए वो सिद्धपीठ है, और उसी का अंशभूत ये जो है गंगा के रूप में वहाँ भी पूजा होती है और यहाँ भी होती है। तो आगे देखो देखो ये खुरु घोड़ा खुरी है, मैं चाहता हूँ कैमरे में लगा दी जा रही, दिखा दे, आगे चढ़ जा बेटा, ये है घोड़ा खुरी, यहीं से सीधा सेम सामने सामने सेम है, सेम नागराजा, तो यहाँ सेम नागराजी भी है, और माँ सुरकंडा से जो है माँ जगदेवी का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं देखते हैं। हर साल जो है ना यहाँ दशहरा होता है और नागराजा की पूजा भी होती है, बहुत बढ़िया ढंग से होती है, और यहाँ पर हमारे इस नागराजा के जो मुख्य पुजारी भी कहेंगे हम इनको, और भक्त भी कहेंगे, श्री टीका राम सिंह जी पवार, बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत अच्छी भावना है इनकी। ये हम नागराजा के पास पहुँचे, प्रणाम करते हैं हम उनको, सभी लोग मस्तक हो, प्रणाम पुजारी जी, आप चले आगे, दो हमको कुछ प्रेम से बोलो नागराज भगवान की। आजकल जो है यहाँ पे नागराजा है, ऊपर जो है शिव शक्तिपीठ में जो है वहाँ पर भैरवनाथ भी है, वहाँ भी जाएंगे, सबके दर्शन करके
सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, शाम को भंडारा चल रहा है। बहुत दिन हो गए यहाँ तो, 5 दिन नवरात्र भी चल रहा है यहाँ, और ब्राह्मण लोग भी बहुत हैं यहाँ, सब अच्छा चल रहा है। और विशेष करके इंदिरा के लोग, इनका बहुत योगदान है इस क्षेत्र में, और अच्छी सेवा करते हैं। पानी लाने के लिए कम से कम 4 किलोमीटर है नीचे, हैं 4 किलोमीटर है नीचे, और खड़ी चढ़ाई है। धन्यवाद, जय हो हमारा। ये हमारे पुजारी जी हैं पवार जी, और इन्हीं की बदौलत से जो है सेम नागराजा की स्थापना इनके ही द्वारा हुई है। गोराखोरी से आकर के हम भगवान नागराजा को प्रणाम करते हैं। सभी बच्चे करो, प्रणाम करो नागराजा को, हैं, और इनसे जो मांगोगे वो मिलेगा, पक्की बात है। धन्यवाद पवार जी, धन्यवाद। ये हैं हमारे पंडित लोग, इनके साथ और भी थे लेकिन और क्या पता कहाँ चले गए, आराम कर रहे हैं बेचारे, बहुत थके हैं, बहुत काम करना पड़ा। धन्यवाद पंडित जी, अच्छे ढंग से करो, और इंदिरा गांव वालों के लिए जो है आशीर्वाद दो, खूब फले फूले और अच्छे भक्त हो यहाँ, जैसे टीकाराम जैसे भगत हो जाए यहाँ इस गाँव में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपके लिए। आपका नाम? विक्रम सिंह पवार जी हैं, बहुत ना जगदीश समिति में आप, वाह धन्य हैं आप। और आप बीच में मुलायम सिंह, अच्छा वाह, मुलायम सिंह पवार जी हैं कि पवार जी हैं? ये कुलवीर हैं, बहुत भक्त हैं इनका। एक इनका जो है एक अनुष्ठान का इन्होंने जो है हमारी अनुमति से शुरू कर रखा है यहाँ पे, और 3:45-4 बजे स्नान करके तैयार होकर बिल्कुल माता के द्वार पर बैठते हैं, और निरंतर 15 मिनट तक जो है माँ भगवती का ध्यान करते हैं। कुछ अनुभव हुआ हो रहा है? हाँ जरूर होगा, इस बात नहीं, बहुत अनुभव होगा आपको। आप पूरा पूरा तो करो आप पहले, ठीक है? हाँ, और श्रद्धा से बढ़कर कुछ नहीं है, बहुत अच्छी श्रद्धा रखना, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलो ठीक, बहुत धन्यवाद। हम जो है हमारा जीवन यही है और यहीं पर एंड होगा, जब भी होगा कभी यहीं एंड होना है, क्योंकि हमारी जगत माता है, नाम भी इसका जगदी है, और जगदी मतलब जगत की माता, और वैसे ही एक गंगा रूप है, और अगर बिगड़ती है तो काली बन जाती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको मिलकर के, बहुत प्रसन्नता हुई। ये हमारे साथ पूरी बालक समाज है, चलो बालकों, चलो चलो बालकों, जब दशहरा होता है ना, गंगा दशहरा मेला यहीं पर लगता है, बहुत बड़ा प्लॉट है, ऊपर नहीं द्वार माता के उसमें नहीं, वहाँ कुछ नहीं चलता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। ये बहुत अच्छे भगत हैं यहाँ के, ये बहुत अच्छे भगत हैं, सेवा भी करते हैं। आज 5 दिन हो गए हमको यहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमको, और कम से कम 200-500 से कम यहाँ रात को विश्राम करते हैं। और गंगा देसर एक दिन तो इतनी भीड़ हो जाती है, नीचे चुली खेत है यहाँ पे, चुली खेत से बहुत चढ़ाई लगती है, लेकिन माता की यहाँ पर बहुत बड़ी कृपा है कि बच्चे तक भी यहाँ पहुँच जाते हैं। ये हमारी माता है यहाँ पे, उस गांव से संबंध है इसका, इंदिरा गांव पुराना गांव से जो मैंने बताया आपको घोड़ाखोरी से ना, उसका और इसका बहुत बड़ा संबंध है। और ये हमारे शोभन सिंह जी हैं यहाँ पे जंगलात के, यहाँ की बिल्कुल इनकी ड्यूटी है या आजकल यहाँ लगे हुए, ड्यूटी लगी है आपकी, हम देख रहे हैं आपको, हमको भी यहाँ बिल्कुल बिल्कुल हम पूरा देख रहे हैं, आग न लगे, हाँ इस तरीके से हम बिल्कुल बिल्कुल कोई पेड़ न काटे, कोई हरा पेड़ कोई नहीं कटेगा, हरा पेड़ कुछ नहीं कटेगा, नहीं, और हमारी यहाँ ड्यूटी लगी है यहाँ पर माता का, बिल्कुल हम देख रहे हैं आपको, हम तो यही है देवद्वार की यहाँ पर काफी वो है, हाँ बहुत हम दिखाएंगे आप लोगों का, देवद्वार की बहुत ही वो है कि यहाँ पर देवद्वार जो है बहुत बढ़िया है, रमणीय स्थान है, हम भी यहाँ पर अच्छे। बहुत धन्यवाद पवार जी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो है रक्षक हैं इस जंगल के, और जब जंगल रहेगा तब हमको वनस्पति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पानी मिलेगा है ना, अन्न मिलेगा,
तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आप कार्यक्रम करते रहो। हम देख रहे हैं आपको रोज जंगल में घूम रहे हैं, आप पता है हमको, बहुत धन्यवाद। ये अब हम यहाँ पे माता के दरबार में पहुँच गए हैं, ये मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार है और बहुत काम हुआ यहाँ पे। गोंकर सिंह जब हमारे जिला पंचायत थे, हाँ जिला पंचायत थे ना जब गोंकर सिंह जी, तब यहाँ पे ज़्यादा काम हुआ, तब यहाँ ज़्यादा काम हुआ। समय समय पर हर भक्तों ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे जो है गोंकर सिंह पंवार जी, और इस माता के प्रसाद से कोई लिखाई पढ़ाई नहीं है उनकी, माता पिता उनके बचपन में मर गए थे, विधायक का चुनाव भी लड़ा एक बार उन्होंने, लेकिन रह गए विधायक चुनाव में। और उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था उस समय बहुत सक्रिय रूप में जो है गोंकर सिंह जी जो है नैनी जेल में रहे 7 दिन तक, और वही उत्तराखंड आंदोलन के कारण से जो है आज रेवेन्यू विभाग में वो कार्यरत है। चलिए ऊपर चलते हैं मंदिर में, आओ। ये है सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ है, बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं ये, हाँ मंदिर में जाने के लिए आता है यहाँ आनंद, यहाँ रात करो ना बेटो, रात करो यहाँ, हाँ रात करो यहाँ, शेर के दर्शन होंगे, माता का शेर यहाँ आता है और प्रसादी खा के जो है चला जाता है, कुछ नहीं करता कुछ। आप रात को आओ ना यहाँ, देखो हम तो कितने बार आ गए हैं, बेट देख रहे। ये है मंदिर, ये है माता की, बोल जगदी मैया की, सभी भक्तों की, सनातन धर्म की। आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, सिरकोट से पैदल आई होगी, कितना दूर है सिरकोट से यहाँ, काफ़ी दूर है और खड़ा रास्ता है, चढ़ाई है, बहुत थकान लगती है, रास्ते में कोई पानी नहीं, पानी भी नहीं। मैं तो यहाँ 10 साल से आ रहा होगा इस धाम में, उससे पहले पिताजी आते थे, उसके बाद जब हम गए तो तब से मैं यहाँ पर आता हूँ, सभी लोग सब दर्शनार्थी भी आते हैं, बहुत भीड़ होती है भैया, परसों होगी ज़्यादा भीड़, मेला लगे होगी, और देवी देवता भी आते हैं यहाँ, बहुत बहुत देवी देवता आते हैं, और यहाँ जो है बहुत बड़ा फील्ड है, आगे देखें माता के दर्शन कर लो पहले, आओ जय माता की। ये हैं हमारे माता के पुजारी, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो यहाँ का मठाधीश हूँ, रुकम सिंह जी ये हमारे पुजारी हैं, और इन पे इनके शरीर पे माता भी नाचती है, और बहुत अच्छे भक्त हैं, आजकल तो इन्होंने ऐसी सेवा कर दी हमारी, अरे महाराज आप धन्य हैं, और ऐसे ही बनाए रखो, हाँ माता का आशीर्वाद। ये इधर आओ, ये हमारा यज्ञ स्थल है, ये हरियाली है, यहाँ देख रहे हैं आप, कैमरामैन से बोलूँगा ठीक लगा देना, देखो ये है, ये मंडप है यज्ञ का, ये हरियाली का, और यहाँ पे जो है 11 पंडित हैं हम यहाँ, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, सब बोलो, मिलकर बोलो, जय माता की। ये हमारी जगदी माता, और उधर जो है ना, उधर वो है जो यहाँ प्रकट हुई थी पिंडी, आज तक मैं तो 60 साल में मैं भी पहुंच गया हूँ, ये मूर्ति न तो घटती है न बढ़ती है, जितनी की जितनी है, चमत्कार जरूर होता है यहाँ, इस बार में चमत्कार तो होता है, लेकिन मूर्ति पे कोई चमत्कार नहीं होता,
और ना ही ये मूर्ति केवल गंगा दशहरे दिन और एक दिन भादों में यहाँ पे जो है भादों में यहाँ पे माता की पूजा कराते हैं सब लोग। हमारे अध्यक्ष साहब आ गए हमारे, वाह ये हमारे क्षेत्र के, हमने अध्यक्ष घोषित कर रखा है इनको, ये क्षेत्र पंचायत। और जो ये मूर्ति जो लगी आज, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा है, ये इनके द्वारा, प्रदीप केंतुरा जी के द्वारा जो है ये सुप्रीम भेंट है, स्थापना हुई इन्हीं के द्वारा हुई स्थापना। और आज हमने पाँचों दिन स्थापना माता की कर दी है, अब वो जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद साहब, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, देवता के पास चलते हैं। यहाँ पे भी बहुत बड़ी कहानी है और माता के दरबार में तो भैरव की स्थापना होती होती पर है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भैरव बाबा है, यहाँ पे भैरव बाबा है, वाह जय हो बाबा। बहुत भीड़ होती है आज भी तुम्हारे गांव से, बहुत आए, हाँ बहुत आ रखे, दशहरे दिन तो सभी आते हैं, है ना। अरे भाई सुन भाई, कहाँ जा रहे हो, तेरे को मैं पूछूंगा जरा ढंग से, तुम कहाँ से, तुम भी टिपरी के, वाह तुम तो यहाँ सेवक है। और आप क्या है, और आप, तू घास काट रहे थे सुबह, इसको मारा मैंने, यहाँ पीटा मैंने इसको ढंग से ना, ठीक है बेटा, है आशीर्वाद है आपको, गंगा दशहरे दिन जरूर आना है, है गंगा दशहरे दिन जरूर आना भी चौक में। सब जगह जगह बैठे हैं यार, देखो सब भगत लोग ना, जगह जगह पे पूजा में तो सब आए, सभी लोग आए। पूजा के बाद अब भंडारा खुलेगा, 4 बजे भंडारा होता है यहाँ, सभी ब्राह्मण लोग 11 पंडित हैं यहाँ और भगत लोग 200-300 आदमी हैं। करमन भंडारे में 500 आदमी हो जाते हैं यहाँ, हाँ अभी होती है, रोज़ हो रही है ना? हाँ बाद में देख लेना, जब भोजन बनाए करेंगे ना, भंडारा खुलेगा ना, तब देखना। बोलो जय माता की। आप लोगों ने थकाई लगी हुई नहीं, थकाई लगी हुई तुमने, हैं बहुत, पानी पानी लाए साथ में, पानी न ले आए, यहीं मिलेगा पानी, यहाँ खच्चर लगे हुए हैं, एक दिन में 10-15 चक्कर मारते हैं, हाँ नहीं लगने पानी, भंडारा भंडारे के लिए तो जरूर चाहिए, नहाने है, इतने पंडित हैं, इतने भगत हैं यहाँ, 250 भगत यहाँ रुकते हैं रात को। ये देखो ये है धर्मशाला, ये क्या है, हाँ क्या है ये क्या है, धर्मशाला। रात को ना, रात को बहुत भीड़ होती है यहाँ, कोई बरांडे में सो जाते हैं, कोई वहाँ हवन कुंड में सो जाते हैं, कोई मंदिर के उसमें सो जाते हैं, कुछ माताएं यहाँ पर सो गई है। ये हमारे सेठ जी हैं, इंदिरा से हैं ये ना, कैथुगी से, ये ऐसे ऋषि। कितने साल की उम्र हो गई है आपकी, हाँ खड़े उठो, ठीक बैठो, ना ना बैठ रहा, बैठ इन बैठ, वहाँ बैठ रहा, लेटी टेने करा बात वो, तब आप लोग इनको है इतिहास का पता, ये क्योंकि इंद्र से कहीं थू की जा रखे हैं, वैसे इंद्र के हैं ये, इनको पूरा पता है जी, गोराखुरी में नागरजा का आगमन है, मंदिर में सारे इंदिरा गांव का, पुराने गांव का जो लोप हो गया था जो गांव, सब पता है आपको, बहुत बढ़िया। ये है हमारे, ये हमारे पाक शास्त्री हैं, सारा भंडारा थोड़ा सुरेंद्र दत्त जी चमोली जी हैं, ये पाक शास्त्री हैं हमारे, जब भी यहाँ होता है तो यही हैं हमारे यहाँ के, बहुत बड़ा काम है भैया यहाँ, ये छोटा धाम नहीं है,
भले प्रचार बाहर नहीं होगा तो हमारे क्षेत्र में तो पूरा है, चंबा से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के चलो यार आप गंगोत्री तक, हाँ सब जानते हैं जो हमारे भागवत मनोकामना है। यहाँ एक बार को अगर कोई आ गया तो उसकी मनोकामना पूर्ण, जो उसकी मन में इच्छा होगी माँ के दरबार में अगर सच्चे भाव से भगत कोई आ जाता है तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये तो इस धाम का महत्व है, ये तो पक्का है, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा लेकिन 10 साल से मैं यहाँ आया और 10 साल के बाद जो है 60 साल की उम्र है मेरी, यानी 50 साल मुझे इस मंदिर में सेवा करते हो गया है। लेकिन मैंने ये चमत्कार देखे हैं, जो भी आया मनोकामना पूर्ण होती है। देखो भंडारे के लिए आटा गूंद रहे हैं, ये हमारी बालिका है यहाँ पे, ये बालिका है, क्या है बेटा तेरा नाम? बिना चार पराते तो अंदर है आटे की गोंद, गोंद दिया तुमने, गोंदी हो तुमने, गोंदी हो, अच्छा और भी थी होगी, चार परात कितनी रोटी बनेगी, कितने बनेगी चमोल जी यहाँ खाना? 500 आदमी हो जाएंगे, डेली हो रहा, ठीक है बेटा है, बहुत बढ़िया, चल भाई आ जाओ इधर आओ, यहाँ भंडारा देखो यहाँ। अभी चमोल जी को हम यहाँ पूछते हैं कि इन्होंने बनाए क्या क्या ही, ढक्कन आटा, छोला पूरी कहाँ रखी है तुमने? वो अंदर कर दिया, इसमें क्या है, ढक्कन खोलो, छोले अंदर है, पूरी भी अंदर है, सब्जी भी अंदर है, सब कुछ अंदर है, हाँ इतनी जगह नहीं है। ये हैं भाई हमारे, ये इंदिरा के हैं, क्या है ये आपका नाम हैं? बहुत सेवा करते हैं नहीं, सभी लोग करते हैं, हृदय से करते हैं, आप लोग ये हैं, ये हमारे आप, हाँ भाग सिंह पवार जी हैं, ये हमारे चिलोर से आ रहे थे, त्रिलोक सिंह तेंतुरा, वाह और सेवा ही में आए रखे हैं ना, सब सेवा में माँ के चरण। और वहाँ से हमारे सिरकोट से जो है ना, बहुत पहले पहुँच जाना था इन्होंने, सिरकोट से जो है ना, सिरकोट से जो है हमारे ये भगत जी जो है बहुत देर लगी यहाँ नहीं गर्मी, हाँ अच्छा हाँ 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 वाह, सबसे ज्यादा भूमिका देखो तो इनकी है, अरे नहीं नहीं माँ की कृपा नहीं है, यहाँ तो इतना काम करते हैं ये कि बड़ी तीज जाना है और ये बताते हैं यहाँ कि ये जो बांज का पेड़ है, ये पेड़ न तो बड़ा और न खत्म हुआ, बस इसी के नीचे है उत्पत्ति माँ की, हाँ अनिल इसके नीचे है ना, हाँ हाँ पहले पहले कब की बात है, मेरे हमारे दादा बूढ़ों को नहीं है, हाँ वहीं पर रखते हैं क्योंकि यहीं पर है, ये हमारे भूतपूर्व प्रधान जी, ये हमारे भूतपूर्व प्रधान जी हैं, धन्यवाद प्रधान जी, हम तो आप लोग पाँच कम से कम 500 आदमी जिम रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ अध्यक्ष भी हैं हमारी मंदिर समिति के और पूरे बहुत बढ़िया श्रद्धा से, वैसे इंद्र वाले तो सभी हैं लेकिन विशेष लोग ये लोग हैं, जैसे घोंगर सिंह जो घर जा रखे हैं अभी जाना पड़ा, हाँ हाँ आवश्यक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी, आप लोगों ने जो है कम से कम यहाँ जो है पंडितों की सेवा तो इतनी बढ़िया हो रही है, मैं तो पंडितों के साथ हूँ, 11 पंडित बैठाना उठाना बहुत मुश्किल होता है सर, और पंडित भी आएंगे उनकी बात से चलेगा, और भी आएंगे तो हाथ उनको आशीर्वाद दिया जाएगा, और दक्षिणा सब यहाँ पर वो तो श्रद्धा है लेकिन आ जाए तभी बहुत है, यहाँ मातृशक्ति तो ज़्यादा ही आती है, वाह कितनी बार, ये तो साल भर में गंगा दशहरे एक तो मैंने बताया इनका और भादों के मैंने भी मैंने बताया कि भादों में यहाँ अग्याल के रूप में, अग्याल के रूप में जो है माता की पूजा करते हैं, ये है हमारे वर्तमान प्रधान जी, धन्यवाद प्रधान जी आपको मिलकर के बहुत खुशी हुई, वैसे आप सेवा कर ही रहे हैं यहाँ पर प्रधान आपके पास कार्य है, ये मकान सिंह है ठीक है, सेवा में आते होंगे आप लोग,
जब परंपरा से चल रहा है तुम्हें। ये हमारे जो हैं, ये हमारे सिरकोट से, और ये हमारे श्याम सिंह जी हमारे जिगरी दोस्त भी हैं, ये विद्यार्थी भी हैं। जजमान तो तब थे, पर विद्यार्थी जीवन में हम दोस्त थे। दोस्त खत्म। अच्छा, आप मैं गुरुजी। आप गुरुजी? हम गुरुजी हैं। आप गुरुजी हैं? दोस्त पुराने जमाने जब साथ। तो ये कहो, मैं तो बोलू कुछ हूँ श्याम सिंह जी। मैं तो होगा तभी तो आए आप यहाँ। बिल्कुल साहब, कैसे कैसे कुछ सुनाओ जरा। मैं तो क्या, मतलब मैं तो तब देखा है। हाँ, क्या है मतलब, क्या क्या समझते हैं यहाँ यहाँ के बारे में, आपको क्या पता है? क्या पता मुझे कुछ नहीं, पर शास्त्री मामा बनाया मंदिर, रामचंद्र जी ने बनाया मंदिर ना, तो उस टाइम से यहाँ चलाचरी हो गई। मुझे पता ही नहीं, तो उसे मेला शुरू हो गया, मतलब उसे भगवती प्रसन्न हो गए, मतलब फायदा मिलता है। हाँ, फायदा मिलता है। जो यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, मैंने पहले बताया ना, क्योंकि हम भी, मैं भी 10 साल से यहाँ आता हूँ और माता के ये चरणों में हूँ मैं भी। लेकिन आप लोगों को विशेष थोड़ा पता होगा यहाँ। नहीं नहीं, खैर मार दस सच जंगल में जब यहाँ मेला होता है, विशेष करके यहाँ लोग बाग जो है सब, ऊपर तो छाया नहीं है, सब जो है इन पेड़ों के बीच में, जंगल के बीच में आनंद हो जाता है यहाँ, बहुत आनंद। हर लोग, हर सबके अंदर, किसी के अंदर भी जाओ, भक्ति भक्ति रस है। जय हो जगदीश्वरी, जय माता जया हो, जय हो माँ तेरे चरणों मान मन छाऊ, जय हो जगदी माता। देखो यहाँ, इसके नीचे तो और भी नीचे है बहुत जंगल, कौन जा सकता है इतना, है ना? सारा ये जंगल ही जंगल है, और इस बीच में ऐसा धाम मुझे कहीं लगता नहीं है कि ऐसा होगा। क्यों कि आने के लिए पैदल यात्रा, और पैदल यात्रा भी ऐसी होती है कि अगर वहाँ नीचे के नीचे जहाँ जहाँ से पैदल रास्ता है बेटा, वहाँ क्या है वो कंडार खोल, कंडार से यहाँ 3-4 किलोमीटर होगा। बहुत थकान लगती है, खड़ी चढ़ाई है एकदम, और यहाँ का नज़ारा हमने आप लोगों सबको दिखाया अब तक। आगे गंगा दशहरा दिन विशेष करके यहाँ का जो है महत्व तो बढ़ेगा, बहुत भीड़ होती है उस दिन, न मिले टाइम गंगा दशहरा। वैसे हम चाहेंगे कि हम गंगा दशहरा के जो है यहाँ सीन दिखाएँगे सब लोगों को, तो अगर समय मिला और हमको, क्योंकि हमारे पास यज्ञ का कार्यक्रम भी है, तो दशहरा के दिन जो है पूर्ण भी होगी। आज हमने मूर्ति का स्थापना की है यहाँ माँ जगदीश्वरी की, पुरानी मूर्ति थी यहाँ रखी हुई, तो यहाँ से घंटी, जंगल है ना यहाँ, अब यहाँ कोई आ नहीं सकता है, लेकिन किसी ने सालों ने यहाँ से चुरा ले गया, और मूर्ति भी ले गया, अष्ट धातु की मूर्ति थी, बहुत डबल मूर्ति थी, क्या पता किसने ले गया। तब जो है हमारे, ये हमारे जिला पंचायत सदस्य जो हैं प्रदीप कैंतुरा जी, उनके द्वारा इस सुप्रीम भेंट, और 9 दिन तक उनके पिताजी राजेंद्र सिंह पंवार जी और प्रदीप सिंह, आज प्रदीप सिंह जी आए, लेकिन उससे पहले इनके पिताजी राजेंद्र सिंह पंवार कैंतुरा जी ने उनके कर हाथों के द्वारा इस माँ भगवती की मूर्ति की स्थापना आज हो गई है। अब केवल मात्र गंगा दशहरा है, उस दिन हम आप लोगों को यहाँ की भीड़ और यहाँ का मेला और यहाँ का नज़ारा बहुत ढंग से दिखाएंगे, ठीक है? अभी यहाँ पर माता रानी का भंडारा चल रहा है, और हमारे साथ अभी तक जुड़े थे पूज्यपाद गुरु जी। उम्मीद करता हूँ कि आज ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ जगदीश्वरी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें।